लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र के गंभीरा निवासी शकील की गत 22 जुलाई को सैफई बाईपास पर सड़ी गली अवस्था में शव मिला था। इस घटना का अभियोग दर्ज किया गया। बता दें कि इस घटना का सफल अनावरण आज मैनपुरी पुलिस ने कर दिया है। बताते चले कि आज पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि गंभीरा गांव के पास एक्सप्रेसवे की अंडरपास सर्विस रोड पर इस घटना में शामिल अभियुक्त कहीं जाने की फिराक में है। पुलिस तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से दो तमंचा, कारतूस और एक वैगनर कार मिली है। अभियुक्तों ने बताया कि शकील मुझे मारना चाहता था, इसलिए हम लोगों ने उसे पहले मार दिया। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। करहल थाने में 22 जुलाई को एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उनका 302 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस समय बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसकी शिनाख्त शकील के रूप में हुई, जो उस थाने का हिस्ट्री सीटर है, जिसके ऊपर कुल लगभग 10-11 मुकदमे हैं। और इसमें दो व्यक्ति पकड़े गए, एक अंकित उर्फ शिवम दुबे और दूसरा गोलू उर्फ सुशील। ये इसके अलावा इस घटना में दो लोग और शामिल थे, सुमित और हरगोविंद। इनके द्वारा, अंकित और गोलू के द्वारा बताया गया कि ये शकील उनको मारना चाहता था और इस बात की उनको जानकारी हो गई थी, इसीलिए इन्होंने गोलू के साथ और अपने भाइयों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी और पहचान छुपाने के लिए इसके चेहरे आदि पे प्रहार करके पुलिया के नीचे फेंक दिया था। बाद में उसमें जानवर भी उसको नोच खाए थे, जिसलिए उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। कपड़ों पे और शरीर पे अन्य निशान से और अन्य लोगों से पूछताछ पे इसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद ये अभियुक्त प्रकाश में आए और इनकी गिरफ्तारी की गई। शेष बचे अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा जो ये बहुत अच्छा अनावरण किया गया है, इसके लिए 10,000 रुपए से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।